हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे पास हुंडई कंपनी की i10 ग्रैंड गाड़ी आई है। इसका एसी का कूलिंग का प्रॉब्लम है जो कूलिंग कम करता है। कूलिंग है फ्रेंड, लेकिन क्या है 50% कूलिंग करता है। जैसा अपने को ब्लोअर कहा हुआ चाहिए, जैसा कूल चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। तो हम इसे चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले फ्रेंड तो हम इसका एसी फिल्टर चेक करेंगे। अंसारी जरा इसका एसी फिल्टर निकालिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड क्या होता है इसका एसी फिल्टर अगर चॉकअप रहे पूरी तरह से तो इसका ब्लोअर का जितना हवा आना चाहिए उतना हवा नहीं आता है और कूल भी नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसका एसी फिल्टर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं अभी ये जिसका ये जो कवर आता है कैप वो पूरी तरह से गंदा है। तो इसका एसी फिल्टर का क्या कंडीशन रहेगा आप सोच सकते हैं। एसी फिल्टर निकालिए, इसका दिखाते हैं फ्रेंड इसका एसी फिल्टर कहाँ आता है। सबसे पहले तो ये जो ग्लू बॉक्स है उसे ओपन कर दीजिएगा आप, यहाँ पे फिट होता है। उसके बाद अंदर एक कैप आता है, कैप निकालेंगे तो इसका एसी फिल्टर देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका एसी फिल्टर है। ये पूरी तरह से चॉकअप है फ्रेंड, ये देख सकते हैं इसमें पूरा मिट्टी भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आपको थोड़ा नज़दीकी से दिखाते हैं, ये देखिए पूरा मिट्टी भरा हुआ फ्रेंड। तो हम इसे चेंज करेंगे, इस फिल्टर को रिप्लेस करके, और उसके बाद गाड़ी चालू करके चेक करेंगे। सबसे पहले तो अंसारी जी इसको फिल्टर को बाहर रखिए, और इसको चेंज करने से पहले इसको गाड़ी चालू कीजिए, इसका ब्लोअर चालू कीजिए, इसके अंदर का जो कचरा है वो सब बाहर आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले फ्रेंड तो हम इसका गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, इसका हम एसी चालू कर रहे हैं, हमने एसी चालू कर दिया है। क्या होता है फ्रेंड इसके ब्लोअर के अंदर जो कचरा रहता है, अगर आप गाड़ी चालू करके ब्लोअर चालू करके उसका कचरा नहीं निकालेंगे, एसी का फिल्टर एसी डाल देंगे, तो उसके अंदर का जो कचरा है वो नए फिल्टर में भी आपका जाके कचरा बैठ जाएगा, उसकी वजह से भी कूलिंग में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है फ्रेंड, हमने गाड़ी चालू करके इसका ब्लोअर चालू करके इसका कचरा निकाल दिया है। अब इस गाड़ी को हम बंद करेंगे और इसका एसी फिल्टर रिप्लेस करेंगे। सर जी इसका एसी फिल्टर रिप्लेस कीजिए, ये इसका फ्रेंड नया एसी फिल्टर हमने अरेंज किया है, देख सकते हैं। तो इसे हम रिप्लेस करेंगे, ये हम एसी फिल्टर चेंज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने एसी फिल्टर नया फिट कर दिया है। अब इसका कवर लगाएंगे, इसका कवर भी हमने फिट कर दिया फ्रेंड। ठीक है, ग्लू बॉक्स को भी लगा दीजिए। ग्लू बॉक्स में कचरा भरने का नतीजा बराबर कीजिए, अंदर डालिए इसको पूरा बन कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने एसी फिल्टर रिप्लेस कर दिया है। और एक कारण होता है फ्रेंड, वो भी हम आपको बताते हैं, इसका एसी कूलिंग लो होने के कारण। ये फ्रेंड देख सकते हैं ये जो इसका बाहर एसी का जो कंडेंसर आता है जो बम्पर के अंदर आता है, वो भी उसका लाइन धूल मट्टी के वजह से चॉकअप रहता है, तो भी एसी कूलिंग कम करेगा। तो हम इसे भी क्लीन करेंगे हवा मार के, पहले हवा मारेंगे और उसके बाद पानी का स्लो प्रेशर करके उसे भी क्लीन करेंगे, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। अंसारी जी हवा लीक, कंडेंसर सर्विस हो रहा है फ्रेंड,
जो कंडेंसर के लाइन लाइन में जितना धूल मिट्टी बढ़ जाता है उसे हवा मारकर प्रेशर से क्लीन करते हैं, और उसका स्लो प्रेशर करके पानी का उसे भी क्लीन करेंगे। इससे क्या होता है, आपका कूलिंग जो है 100% एकदम मस्त कूलिंग होने लगेगा ये कंडेंसर साफ होने के वजह से। जो आपका कूलिंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। लो प्रेशर करके मारिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड, स्लो प्रेशर से हम इस एसी कंडेंसर को क्लीन कर रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने एसी का कंडेंसर भी इसे क्लीन कर दिया है हवा पानी मारकर। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और गाड़ी स्टार्ट करके इसका कूलिंग चेक करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इसका कूलिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि 99% फ्रेंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। एसी ऑन कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड इसका ब्लोअर का हवा भी बढ़ गया, देख सकते हैं इसका साउंड सुन सकते हैं आप। पहले इसका ब्लोअर का साउंड भी नहीं आता था फ्रेंड, इसका 50% आता था। तो फाइनली फ्रेंड हमारा जो एसी कूलिंग का प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। इसका कूलिंग भी बढ़ चुका है और ब्लोअर का जो हवा आता है वो भी बढ़ चुका है एसी फिल्टर चेंज करने से, क्योंकि इसका सबूत हमारे सामने अंसारी जी है, देख सकते हैं जो पूरे पसीने से भरे थे अब एसी का हवा खाकर उनका चेहरा पूरी तरह से खिल उठा है। ठीक है फ्रेंड, आप इसका ब्लोअर का साउंड भी सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस आपको हमको इतना ही बताना था कि कभी भी आपके पास गाड़ी है तो सबसे पहले इसका एसी फिल्टर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 99% प्रॉब्लम एसी फिल्टर के वजह से आता है। एसी फिल्टर इसका चॉकअप हो जाता है तो कूलिंग प्रॉब्लम कम हो जाता है, कूलिंग प्रॉब्लम बढ़ जाता है और आपका ये जो ब्लोअर का हवा है वो भी कम हो जाता है, स्पीड जो उसका आता है ब्लोअर के हवा का। तो सबसे पहले फ्रेंड कभी भी एसी फिल्टर इसका चेक कर लीजिएगा, और जो एसी का कंडेंसर आता है आगे बम्पर के अंदर उससे भी पानी या हवा मार कर क्लीन कर लीजिएगा। इससे आपका एसी का जो प्रॉब्लम रहेगा लो कूलिंग रहेगा, अगर 50% लो कूलिंग रहेगा तो आपका 90-100% ये कूलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ये फ्रेंड कैसा है, हम कस्टमर का खर्चा बचाने के लिए सबसे पहले ये हमने चेक किया है। इससे क्या है, कस्टमर का खर्चा भी बच जाता है और आदमी का वक्त भी बच जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।